इंडियन टीम 244 रनों पर सिमटी, ऑस्ट्रेलिया के पास 197 रनों की बढ़त। इंडियन टीम को बड़ा झटका, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत चोट की वजह से बाहर। तरीन खेल की खबरों के साथ स्पोर्ट्स स्टोरी की जानिब से नाजरीन को शफी का सलाम पहुंचे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हम पहुंचे सबसे जल्द। इंडियन टीम 244 रनों पर सिमटी, ऑस्ट्रेलिया के पास 197 रनों की बढ़त। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन इंडिया की टीम पहली पारी में 244 रनों पर सिमटी, ऑस्ट्रेलिया के पास पहली पारी की बुनियाद पर 94 रनों की लीड थी। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए हैं और उनके पास अब 197 रनों की लीड है। इस वक्त मार्नस लाबुशाग ने 47 जबकि स्टीव स्मिथ 29 रन बनाकर मौजूद हैं। इंडियन टीम को बड़ा झटका, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत चोट की वजह से बाहर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले के तीसरे दिन रविंद्र जडेजा और विकेटकीपर ऋषभ पंत बदकिस्मती से जख्मी हो गए। रविंद्र जडेजा की चोट में स्कैन के बाद पता चला कि जडेजा का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया है और अब वो इस टेस्ट सीरीज में आगे नहीं खेल पाएंगे। रविंद्र जडेजा का टीम से बाहर होना इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा झटका है क्योंकि उनकी वजह से टीम बेहद बैलेंस्ड थी। BCCI ने एक रिपोर्ट में PTI से कहा कि इस इंजरी की वजह से वो क्रिकेट से 2 से 3 हफ्ते तक दूर रह सकते हैं। अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। ईस्ट बंगाल के हाथों बेंगलुरु को मिली सीजन की लगातार 4थी हार। माइटी स्टीमेन के गोल के दम पर SC ईस्ट बंगाल ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखते हुए इंडियन सुपर लीग के मैच में शनिचर के रोज साबिक चैंपियन बेंगलुरु FC को 1-0 से हराया। मौजूदा सीजन में बेंगलुरु की ये लगातार 4थी हार है जबकि ईस्ट बंगाल पिछले 3 मैचों में कामयाब रही है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला के खिलाफ बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकी लिवरपूल। इंग्लिश प्रीमियर लीग की मौजूदा चैंपियन लिवरपूल COVID-19 के चलते अपने मेन खिलाड़ियों के बिना खेल रही 7 बार की चैंपियन एस्टन विला के खिलाफ FA कप के तीसरे राउंड के मैच में बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकी। मैनेजर जर्गेन क्लॉप की टीम लिवरपूल सादियो माने के 2 गोल की मदद से ये मैच 4-1 से जीतने में कामयाब रही। एक वक्त में सिर्फ एक ही टूर्नामेंट पर ध्यान देंगे रोहन बोपन्ना। घुटने की मुश्किल की वजह से 6 महीने तक टेनिस कोर्ट से बाहर रहने वाले इंडिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना COVID-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के वक्त का फायदा उठाते हुए अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं और अब वो नए सीजन में खेलने को तैयार हैं जिसमें उनका टारगेट 2020 वाली रैंकिंग को सुधारने का होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।